और आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं रोहतास संवाददाता धाम मिश्रा। आज भजन संध्या के कार्यक्रम में भोजपुरी के भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास की प्रस्तुति पर लोगों ने झूमकर नृत्य किया। ये कार्यक्रम परमानंदपुरी परमेश्वरपुर कुटीधाम प्यारी जी के आश्रम में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चल रहा था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भरत शर्मा व्यास ने कहा कि 48 वर्षों से मैं भोजपुरी की लोक गायकी की सेवा में लगा हूं। मैंने आज तक कभी अश्लील गीतों का गायन नहीं किया, लेकिन आज के नए कलाकार अश्लील गीतों का गायन करके सुपरस्टार बनना चाहते हैं। उन्हें भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति से कोई लेन देन नहीं है। वहीं मंच का संचालन भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार गोल्डन प्रिय ने किया, जबकि सभी देखरेख प्यारी आश्रम के उपेंद्र बाबा के सानिध्य में हुआ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताएं? सबसे पहले तो तारनीज के पूरे परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना दर्शक लोग को भी हम प्रणाम करते हैं जी। बात की हम सुनी रेगुल बात आवे के मनिया बाग महाराज जी का आश्रम है, तो महाराज जी का आश्रम पर हम बहुत दिन से आई कहें कि तैयार सब जुड़ल बनी महाराज जी से। महाराज जी के आई ले अपने कुछ भजन सुनाई ले लोगन के जन अति करे के बाद चल सर, आपके माध्यम से जो भोजपुरी श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? आप तो भोजपुरी के सम्राट हैं। श्रोता के लिए संदेश ये बा कि अच्छा अच्छा गाना श्रोता लोग सुने, खराब गाना का बहिष्कार करे। अश्लील गाना जो मार्केट में फैलल बा, समाज में फैलल बा, हमनी के सभ्यता संस्कृति के जो सब मटिया मीट कर रहा बा लोग, ऐसा गाना सुनल लो बंद करे, अच्छा गाना सुन। आप भोजपुरी जगत के एक जाने माने हस्ती हैं, जो भजन में भी आजकल जो चीज आ रही है, जो आप लोग के टाइम सुनने को मिलता था, उस तरह की भजन भी आज नहीं आ रही। आज भजन में भी रिमिक्स और इस तरह के कई देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में कैसे आपको सुधार के लिए कुछ प्रयास? देखिए, इस तरह के गायक जो है रातों रात हिट होने के लिए, चंद पैसा कमाने के लिए, भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति भाड़ में जाए, उससे वो लोग को कोई मतलब नहीं है। हम कुछ भी गावे, हमको व्यू मिलने चाहिए, मिलियन में व्यू मिलना चाहिए, बस और कोई बात नहीं। Yeah.
Let's go.